YouTube पर स्टॉक मार्केट के इतने सारे चैनल हैं, कुछ चैनल आपको पसंद हैं, तो कुछ चैनल मुझे पसंद हैं। पर चैट GPT को क्या पसंद है, आज हम इस वीडियो में वही देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। अब जो मेन चैट GPT की वेबसाइट है, वहाँ पे लिमिटेशन ये है कि उधर डेटा सिर्फ सितंबर 2021 तक का है, यानी डेटा आउटडेटेड है। पर इसका सॉल्यूशन है, जहाँ पर अब आप चैट GPT को माइक्रोसॉफ्ट बिंग में एक्सेस कर सकते हैं, जिसका फायदा ये है कि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द डेटा रेगुलरली अपडेट होता रहता है, और इसलिए हम चैट GPT को यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो चलिए इससे पूछते हैं कि इंडिया के अंदर टॉप स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल कौन से हैं, और इसका आंसर आ गया है, जहां पर इसके अकॉर्डिंग इंडिया में 5 टॉप यूट्यूब चैनल्स हैं स्टॉक मार्केट के लिए, जिसमें सबसे पहले है CA रचना का चैनल, जिन्होंने अपने चैनल के ऊपर स्टॉक मार्केट के लिए बहुत सारे कोर्सेज क्रिएट किए हुए हैं। और चैट GPT के अकॉर्डिंग अगर आप स्टॉक मार्केट के बेसिक सीखना चाहते हैं तो ये चैनल शायद आपके लिए है। ऐसे ही दूसरा चैनल है प्रांजल कामरा, जो अपने चैनल के ऊपर स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल एनालिसिस वाला पार्ट कवर करते हैं और उन कॉन्सेप्ट्स को बहुत इजी लैंग्वेज में समझाते हैं। तो चैट GPT के अकॉर्डिंग अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिक सीखना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। और थर्ड नंबर पे है सिद्धार्थ पुंशाली, जहां पर वो ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं। फोर्थ नंबर पे है ये चैनल, जिनकी टॉप वीडियोस को देखने से लग रहा है कि वो स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन करते हैं। और फिफ्थ नंबर पे है फिनोवेशंस, जो कि अपने चैनल पे एनिमेशंस के थ्रू बहुत सारी कंपनीज के मॉडल्स और उनसे लिंक्ड कॉन्सेप्ट्स को समझाते थे। रिसेंटली उन्होंने अपनी वीडियोस का फॉर्मेट बदला है, पर मुझे उनकी पहली वाली वीडियोस बहुत अच्छी लगती थी। अब इसके बाद चैट GPT हमसे पूछ रहा है कि आप स्टॉक मार्केट में एग्जैक्टली सीखना क्या चाहते हो। अब मेरा इंटरेस्ट तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए जो YouTube चैनल ये सजेस्ट करे वो टेक्निकल एनालिसिस के अराउंड हो। तो चलिए इससे पूछते हैं, और इसका आंसर आ चुका है, जहां पे इस लिस्ट में सबसे पहले है मार्केट गुरुकुल, जिस चैनल के बारे में हमने इस वीडियो में भी बताया था। ये चैनल तो मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट है, यहां पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी ये चैनल एक्टिव नहीं है, यानी अभी आपको यहाँ पे नई वीडियोस नहीं मिलती हैं, पर जो वीडियोस यहाँ पे ऑलरेडी हैं, वहाँ पे भी आपको बहुत सारी वैल्यू मिल जाएगी, जो कि आपको यूट्यूब पे फ्री में और कहीं नहीं मिलेगी। इस लिस्ट में सेकेंड नाम है ईलर्न मार्केट्स का, जो कि अगेन मेरा फेवरेट चैनल है। मैंने इस चैनल के बारे में भी बहुत सारी वीडियोस में बात की है। यहाँ पे एक पूरी प्लेलिस्ट है, जहाँ पे इंडिया के बहुत सारे फेमस ट्रेडर्स के साथ एक पूरा वेबिनार रिकॉर्ड किया गया है, जहाँ पर उन्होंने समझाया है कि वो ट्रेडिंग किस बेसिस पे करते हैं। इंडिया में तो ऐसी नॉलेज और कहीं नहीं है, और इसलिए मुझे ये चैनल भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं चैट GPT से यहाँ पे एग्री करता हूँ। अब चैट GPT के अकॉर्डिंग थर्ड नंबर पे है सुनील मिंगलानी, जिनके बारे में भी मैंने इससे पहले अपनी दूसरी वीडियोस में बात की है, जहां पर मैंने बताया है कि ये स्टॉक मार्केट में अपने एक्सपीरियंस को अपनी वीडियोस में बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। इनके चैनल पर ऐसे भी कुछ वीडियोस हैं जहां पर ये अपना व्यू शेयर करते हैं कि इनको क्या लगता है कि मार्केट में क्या होगा। तो मैं ऐसे वीडियोस का तो फैन नहीं हूँ, पर जो इनकी बाजार बाइट सीरीज है, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो यहाँ पर भी मैं चैट GPT से एग्री करता हूँ। और चैट GPT के अकॉर्डिंग फोर्थ नंबर पे है आर्ट ऑफ ट्रेडिंग, जो कि मैं पर्सनली तो फॉलो नहीं करता हूँ, पर अगर इनकी कुछ टॉप वीडियोस देखें तो इन्होंने ऑप्शन से लिंक्ड कुछ स्ट्रेटजीज एक्सप्लेन की हुई है। तो अगर आप इस मार्केट में नए हैं और आप एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना रहे हैं, आप उसके लिए आइडियाज एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो शायद आपको यहाँ से हेल्प मिल सकती है। अब उसके बाद चैट GPT मुझसे ये पूछ रहा है कि मैं टेक्निकल्स के अंदर क्या सीखना चाहता हूँ, क्या मेरा इंटरेस्ट कैंडलस्टिक चार्ट में है, मूविंग एवरेजेस में है, या ट्रेंड लाइंस एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पे है। अब पर्सनली मैं इन तीनों में से ट्रेंड लाइंस एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ज्यादा बिलीव करता हूँ, तो मैं इस पे क्लिक करने वाला हूँ। और अब चैट GPT के अकॉर्डिंग ऐसी कुछ वीडियोस हैं जहां पे ये कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझाया हुआ है, पर ये टॉपिक इस वीडियो के स्कोप से बाहर है, तो इसलिए इस टॉपिक को कभी और कवर करेंगे। अब अगर हम स्टॉक मार्केट की बात कर ही रहे हैं, तो चलिए मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। हमने अब से कुछ महीने पहले एक वीडियो बनाई थी इंडिया में टॉप 5 ट्रेडिंग एप्स के ऊपर, जहाँ पे हमने एक ऐप की बात की थी जिसका नाम था फायर्स। अभी उसी ऐप का एक नेक्स्ट वर्जन भी आ चुका है, जो दिखने में ऐसा है, यहाँ पे एक क्लिक के अंदर एक इंडेक्स के सभी स्टॉक्स को एक वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। आप यहाँ पे एक क्लिक के अंदर एक स्टॉक का एक्सचेंज चेंज कर सकते हो, उनके फंडामेंटल स्कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर उनके टेक्निकल एनालिसिस स्कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, उस
कंपनी जैसी सिमिलर कंपनीज यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट फीचर है। और अगर आप इस वॉचलिस्ट के एकदम एंड में आएंगे तो आपको यहाँ पे एक बटन दिखेगा जो है रिलेटेड न्यूज। आप अगर इसको ऑन करेंगे तो आपकी वॉचलिस्ट में जो भी स्टॉक है उनमें जो भी मेजर न्यूज आई है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। और एक चीज और जो कि मेरी फेवरेट है, ब्रैकेट ऑर्डर, जो कि बहुत सारे ब्रोकर ने अब अलाउ करना बंद कर दिया है। यहाँ पे आपको वो ऑर्डर्स अभी भी मिल जाते हैं। अगर आपने ये ऐप अभी तक चेकआउट नहीं की है तो मैं इसका लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। पर अभी तक चैट जीपीटी ने जो भी यूट्यूब चैनल के नाम लिए हैं, आपने इनमें से कौन कौन सा चैनल देखा है और आपको इनमें से कौन कौन सा चैनल पसंद है और पसंद नहीं है, दोनों ही चीजें आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। अब ये तो वो चैनल है जो चैट जीपीटी के अकॉर्डिंग अच्छे हैं, पर मेरे अकॉर्डिंग कौन से चैनल अच्छे हैं उस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बहुत ही जल्दी बनाऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।